जो आक्रमण आया वो रेगिस्तान से आया था, वहां तो मिलता कुछ नहीं। अब जीना है ना, अब अच्छा मानो या बुरा मानो, जिंदा रहना है और मिलता कुछ नहीं तो या तो फिर जो बाहर से जा रहे वहां व्यापार करने के लिए उनसे कुछ मांगो, और मांगकर मिलता नहीं तो फिर पकड़ के लो, छीनो, दूसरा क्या करेंगे। और छीनेंगे तो फिर बाकी लोग भी छीनेंगे, साथ वाले, उनको कम हो गया तो। इसलिए सदा तैयार रहो। तो एक सोल्जर जैसा स्वभाव बनाने की एक बात वहां पर बन गई। उन्होंने आकर सबको मारना शुरू किया। तो अब तक तो ये चलता था, ये इस जात का, उस जात का, वो उस भगवान का उपासक, ये इस भगवान का उपासक। लेकिन अब देखा जाए तो एक ही, दो ही जाति होगी ना, एक मारने वाला, दूसरा पिटने वाला। तो मारने वाला तो कह रहा है मैं इस्लाम का हूं, मुसलमान हूं, वो पिटने वाला कौन है? पिटने वाले अनेक लोग हैं, उनका सामूहिक नाम क्या है? हिंदू। तब ये नाम लोगों में आया और गुरु नानक ने पहली बार कहा, हिंदुस्तान खसमाना किया, खुरासान डराया बाबर के आक्रमण के समय। तब से ये लोग जीवन में आया, आया तो चिपक गया, अब उसका इलाज नहीं, वही नाम है। अभी परसों हमारे एक स्वयंसेवक आए मिलने के लिए, आयु 85 साल की, सबने हमको बताया, छोटे बालक ने भी बताया, बड़े ने भी बताया, क्यों आए थे, आपको पूछ रहे थे, बहुत दिन में मिलना नहीं हुआ वगैरह वगैरह। कौन आए थे? मनिया देशपांडे आए थे, नाम माता पिता ने रखा हुआ मनोहर राव, पालने में मनोहर, सुंदर नाम है, लेकिन उसका हो गया माता पिता के द्वारा ही मनिया, और मनिया ही चला। अब छोटे बालक को मना कहना ठीक बात, अब वो 85 साल के है, प्रतिथिया वकील है, सारी बात है, लेकिन वो अगर कहते हमको मनोहर राव देशपांडे तो मुझे पूछना पड़ता कौन मनोहर राव देशपांडे, कहां के, फिर पता चलता। लेकिन उन्होंने मनिया देशपांडे कहते ही पता चला कौन है। अब ऐसा इलाज नहीं, वो नाम चिपक गया है, वही रहेगा। तो हमको लग गया वो नाम, अब हमारी पहचान वो बन गई है, और पहचान इसी अर्थ में बन गई है, यहां के लोग, भारत में सब हिंदू पूर्वजों के वंशज है, इसलिए सब हिंदू है, सब को जानना चाहिए, भारत में सब हिंदू है, ये सत्य है। संघ जब कहता है, हिंदू संगठन, संघ सबको हिंदू मानता है, किसी को बाहर रखता नहीं। पत्रकार हमको पूछते हैं, संघ की शाखा में हिंदुओं को प्रवेश है, मुसलमानों को देंगे क्या? भाषण दे रहे। मैं कहता हूं हम केवल हिंदुओं को प्रवेश देते, हम ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं देते, हरिजनों को नहीं देते, जैनों को, शैवों को, वैष्णवों को, बौद्धों को नहीं देते, सिखों को नहीं देते, मुसलमान ईसाइयों को भी, हम हिंदू को प्रवेश देते, जो आता है भगवे ध्वज को प्रणाम, क्यों? हम सबको हिंदू मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम मानते हैं, कुछ लोग है जो मानते हैं और गर्व है उनको, वो कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पास से या दूर से, शाखा में आते हैं या नहीं आते। कुछ लोग हैं जो मानते तो है लेकिन इतने एम्फेटिक नहीं है या बहुत प्राउड नहीं है। कुछ कुछ लोग तो थोड़ा सा अपोलोजेटिक भी है, बाय एक्सीडेंट हिंदू होने वाले लोग भी है। वो लिखते हैं, वो पब्लिकली बोलते हैं कि हम हिंदू है लेकिन बाय एक्सीडेंट है, ऐसे भी हिंदू है, और ऐसे भी है कि जो जानते हैं लेकिन नहीं मानते। जो मानेंगे तो कुछ ना कुछ चला जाएगा। एक बंधु मिले कि हम अमुक अमुक है लेकिन हिंदू कहलाते हैं, तो हमको टैक्स कंसेशन नहीं मिलता, हमारी संस्था को कंसेशन नहीं मिलता, इसलिए हम अलगाव की एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप गलत फहमी मत रहिएगा। मैंने कहा हम गलत फहमी आपसे नहीं होगी हमारी, लेकिन हम आपका विरोध इसलिए करेंगे कि आप जो है वो भी नहीं रहेंगे अगर आप हिंदू नहीं रहेंगे। ये सही बात है। तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम में मतांतरण हुआ, तब इंडियन एक्सप्रेस के वार्ताहर ने लिखा हुआ अनुभव है। वो घर में गए मतांतरित घर में, और लौटते समय बच्चे ने वहां नमस्कार वणक्कम किया तमिल में, तो पिताजी ने उसको एक तमाचा लगाया, कहा गया तमिल में बोलता है तुम मुसलमान हो गया है, वालेकुम अस्सलाम को। तो उसने लिखा कि इट वॉज शॉक टू मी, इफ यू चेंज योर रिलीजन, यू चेंज योर लैंग्वेज, यू चेंज योर मदर टंग, यू चेंज योर एवरीथिंग, लेकिन दैट इज अ फैक्ट। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हिंदू है कि जो जानते नहीं है और इसलिए विरोध करते हैं। अब जानने में सबका हित है और देश का भी हित है।
तो अपना तो आह्वान यही है हिंदुत्व आंदोलन का सबको कि आप जानो आप हिंदू है, अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनो, संगठित हो जाओ और ऐसी हिंदू शक्ति खड़ी करो कि हिंदू को की ओर टेढ़ी आंख करके देखने का किसी का साहस नहीं होगा। क्योंकि दुनिया अच्छी बातों को भी तभी मानती है जब बोलने वाले की कोई साख हो, और दुनिया में एक ही साख चलती है, आपका सत्य है, आपका शुद्ध है, आपका तर्कयुक्त है, नहीं चलती है, उसके पीछे शक्ति कितनी है यही चलता है। और इसलिए आपको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। इसमें हमारा एक ही कहना है कि जो आज अपने आप को हिंदू कहते हैं केवल उनके संगठित होने से भी ये काम हो जाएगा, बाकी लोगों की खुशामद करने की हमको जरूरत नहीं है। हम स्पष्ट कहते हैं, हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं कि आप हिंदू पूर्वजों के वंशज हो, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको अपने वोट बढ़ाने हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम संघ के लोग हैं, हमको किसी को चुनाव में खड़ा नहीं होना है, हमको पॉपुलैरिटी की भी जरूरत नहीं है। संघ ऐसा विचित्र काम है कि इसमें पॉपुलैरिटी का भी लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि आप हिंदू पूर्वजों के वंशज हो, यानी हमारे खून के भाई हो, आप वोटर नहीं हो हमारे लिए, आप मात्र पड़ोसी भी नहीं हो, तो आपके हमारे रिश्ते हैं और हमको याद है, आप भूल गए, आप याद करोगे तो आपका भला होगा, देश का तो होगा ही होगा, देश का होगा कि नहीं हम देख लेंगे, हम जिनको याद है हम अपने बलबूते इस देश का भला कर लेंगे, हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है और आप हमारे भाई हैं, उससे आपका भला होगा। सारी दुनिया को एक कृत्रिमता के वातावरण में जकड़कर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का समाप्ति, पर्यावरण का विनाश करने वाली जो प्रणालियां चल रही है उनसे मुक्ति के लिए आप छटपटा रहना, यहां पर है आपकी मुक्ति। आइए निर्णय आप कीजिए, आना नहीं आना, आने के लिए इंसेंटिव नहीं है कुछ, घर खड़ा करना है खून पसीना बहा के, सुखी मिलेगी आधी आधी बांटकर खाएंगे, इतना अभिवचन हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन भला आपका होगा, और नहीं आना है तो मत आइए। और इसलिए वो भी वाक्य अपनी गोष्ठी में आ गया कि आएंगे तो आपके साथ, ना आएंगे तो बिना आपके, और विरोध करेंगे तो आपके बावजूद, हमको जो करना है हम कर रहे हैं क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, किसी के विरोध में नहीं कर रहे, हम अपने देश के लिए, अपना देश जो दुनिया की भलाई कर सकता है उसके लिए, अपने स्वयं के बचाव के लिए कर रहे, हम आपको दूसरा नहीं मानते, ये हिंदुत्व है। अब ये हिंदुत्व है लेकिन इसको रखना कैसे और इसको समझना कैसे, हिंदुत्व यही है दूसरा कुछ नहीं है। मुसलमानों का विरोध हिंदुत्व नहीं है, ईसाइयों का विरोध हिंदुत्व नहीं है, किसी प्रकार की छोटी भी हिंसा, आपने तो केवल नॉन इंजुरी कहा, मैं पराकाष्ठा के अहिंसा की बात कर रहा हूं, अपने जैन बंधु कभी कभी जो अहिंसा का अतिरेक माना जाए ऐसी बातें करते, वो अहिंसा वो हिंदुत्व है, हिंसा बिल्कुल नहीं हिंदुत्व, यही है। लेकिन ऐसा है कि इस हिंदुत्व को व्यक्त करने की जो बात है वो प्रत्येक को अपने अपने परिस्थिति में करनी पड़ती है, उसको करना यही है, व्यक्त अलग अलग रूप से हो सकती है। भगवान कृष्ण नौका विहार यमुना में कर रहे थे, रुक्मिणी ने कहा कि सामने जो द्वीप दिख रहा है वहां एक महात्मा जी रहते हैं, आज मेरे व्रत का उद्यापन है तो मैं उनको खिलाने के लिए कुछ अन्न ले जाती हूं, दो तीन लोगों का ले जाऊंगी ताकि पेट भर वो खाए, तो आप मेरे साथ चलिए। तो कृष्ण ने कहा कि तुम कैसी अरसिक हो, व्रत वगैरह की बातें कर रहे हो या नौका विहार अपने सब पट्टर रानियों के साथ, तुम जाओ जाना है तो। कहने ठीक है लेकिन मैं जाऊंगी कैसी अकेले, यमुना से जाना है तो कम से कम रास्ता तो दिला दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, नौका के किनारे पर रुक्मिणी को ले गए और यमुना जी को कहा, यमुना जी अगर आजन्म ब्रह्मचारी मैं रहा हूं तो रुक्मिणी को रास्ता दे दीजिए। तो यमुना को रास्ता मिल गया, यमुना ने रास्ता दे दिया।